Hello guys, don't forget to subscribe the channel. Please click here the red button to subscribe the channel for more informative videos. Thank you for watching. Assalamualaikum viewers, Alice Developer की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ. जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस वक्त जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो है ऑनलाइन पार्किंग रिजर्वेशन सिस्टम. ऑनलाइन पार्किंग रिजर्वेशन सिस्टम में असल में हम एक पार्किंग एरिया डिसाइड करते हैं, कोई भी एरिया, ठीक है ना. उसमें हम कुछ पार्किंग स्टैंड बना देते हैं और उन पार्किंग स्टैंड को रिज़र्व करने का एक सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं कि जब वो पार्किंग एरिया रिज़र्व हो जाए तो वो एज ए रिज़र्व शो हो ताकि दोबारा उसको रिज़र्व ना किया जा सके. यूज़र जो कि इजीली इस सिस्टम के अंदर लॉगिन कर सकता है और लॉगिन करने के बाद वो देख सकता है कि उसे एक ख़ास टाइम में, पार्टिकुलर टाइम में, उससे कौन कौन सी जगह अवेलेबल है पार्किंग के लिए. तो जो जगह अवेलेबल होगी वो उसको रिज़र्व कर सकता है ऑनलाइन. तो व्यूअर्स, इसके लिए हमने पहले देखा कि हमने मास्टर पेज बनाया, प्रोजेक्ट क्रिएट करके मास्टर पेज बनाया. तो आज हम व्यूअर्स देखेंगे कि हम यूज़र के लिए रजिस्ट्रेशन का पेज कैसे बनाते हैं, जिसे आप नॉर्मल साइन अप पेज कहते हैं. कि जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो आप सबसे पहले वहाँ पर अपना एक अकाउंट बनाते हैं, तो साइन अप या रजिस्टर के करते हैं तो एक फॉर्म ओपन हो जाता है जिससे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं. तो व्यूअर्स, आज हम रजिस्ट्रेशन अकाउंट, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे जिसमें आप, क्या नाम है, यूज़र से अपनी रिक्वायर इंफॉर्मेशन लेके उसको रजिस्टर कर सकते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर, आज का लेक्चर. सबसे पहले हम सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएंगे, वहाँ पर प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे. राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम करेंगे. ऐड न्यू आइटम करने के बाद हम यहाँ पर वेब फॉर्म सेलेक्ट करेंगे और उसका जो नाम रखेंगे हम वो यूज़र रजिस्ट्रेशन. नाम रखने के बाद व्यूअर्स, हमने यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट मास्टर पेज भी चेक करनी है. इसके साथ मास्टर पेज अटैच करना है. जो मास्टर पेज हमने बनाया था हम उसको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे. तो ये आपके पास पेज ओपन हो गया. अब इस जगह पे आप यहाँ पर अपना काम करेंगे. ये वही कंटेंट प्लेस होल्डर है जो आपने मास्टर पेज के अंदर एक जगह छोड़ी थी जहाँ पर हम बाकी तमाम पेजेस के ऊपर काम कर सकते हैं. जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर हमें बिल्कुल लाइट डिम में ऑनलाइन पार्किंग बुकिंग सिस्टम लिखा हुआ नज़र आ रहा है. ये बिल्कुल वही ऑनलाइन पार्किंग बुकिंग सिस्टम की वर्ड्स हैं जो हमने मास्टर पेज पर लिखे थे. यहाँ पर ये डिम इसलिए शो हो रहे हैं कि मास्टर पेज बैक एंड पे वो हमें शो करवा रहा है कि आपका मास्टर पेज इस किस्म का है. तो फ्रंट एंड पे आपके पास ये कॉन्टैक्ट जो है ना वो सामने शो हो रहा है एरिया, इसमें आप अपना पेज बनाएंगे. जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम यूज़र रजिस्ट्रेशन का पेज बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर यूज़र रजिस्ट्रेशन की तमाम इंफॉर्मेशन, डिज़ाइनिंग वगैरह इस पेज पे करेंगे. तो उसके लिए अब सबसे पहले मैं ये करूँगा कि लेआउट्स में जाके टेबल डालूँगा, इंसर्ट करूँगा, ठीक है ना. अब इस टेबल की आप विड्थ को जो है ना अपने हिसाब के मुताबिक एडजस्ट कर लें और यहाँ पर अब आपको जो जो कॉलम रिक्वायर हैं उन कॉलम को आप यहाँ पर एज ए वर्ड के तौर पर लिखेंगे. जैसा कि देखिए, मैंने अपने यूज़र नेम लिखा. इसके अलावा मुझे और क्या क्या चाहिए, मुझे यूज़र का पासवर्ड चाहिए, ठीक है ना, यूज़र रजिस्ट्रेशन के दौरान कंफर्म पासवर्ड चाहिए, ठीक है ना. अब ये मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, ये एज इट इज़ फॉर्म के ऊपर शो होंगे और इन टेक्स्ट को जो है ना एज इट इज़ वो शो करवाएगा. तब इन टेक्स्ट के अगेंस्ट जो हम डाटा लेंगे वो हम एक टूल यूज़ करेंगे जिसको टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं. तो पहले हम ये कंप्लीट कर लें जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर है. अब हम टूल बॉक्स में जाएंगे, स्टैंडर्ड टूल बॉक्स. इसमें टेक्स्ट बॉक्स एक टूल बॉक्स है, उसको हम उठा के जो है ना रख देंगे और इसी को हम कॉपी पेस्ट करके तमाम
जो हमें रिक्वायर्ड फील्ड है उनके सामने ये टेक्स्ट बॉक्स पेस्ट कर देंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये टेक्स्ट बॉक्स हमने यहाँ पर तमाम प्लेस कर दिए। अब इन टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए हम यूज़र से डाटा कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि इन टेक्स्ट बॉक्स का अपना एक नाम है, जैसे कि आप प्रॉपर्टी में जाके देख सकते हैं। जैसा कि इस टेक्स्ट बॉक्स की आईडी आपको टेक्स्ट बॉक्स 1 नज़र आ रही है, एक तो हम इसको अपने नाम के मुताबिक रखेंगे कि जो हम इस टेक्स्ट बॉक्स से लेना चाहते हैं उस नाम के मुताबिक रखेंगे। तो एक चीज़ आपने ये याद रखनी है कि यही आईडी हम बैक एंड पे कोडिंग पे यूज़ करेंगे, मतलब इस टेक्स्ट बॉक्स को एक्सेस करने के लिए, इस टेक्स्ट बॉक्स से डाटा लेने के लिए हम इस टेक्स्ट बॉक्स की इस आईडी को यूज़ करेंगे, ठीक है, जो भी आईडी हम यहाँ पर देंगे। जैसा कि मैं इस टेक्स्ट बॉक्स की आईडी यूज़र टीवी यूज़र नेम दे रहा हूँ, टीवी से मुराद टेक्स्ट बॉक्स है। इसी तरह मैं तमाम टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी में जाके उनकी आईडी को चेंज करूँगा। आईडी चेंज करने का यूज़र मकसद सिर्फ ये होता है कि हम कोडिंग में आसानी के साथ जो है ना वो उस की जो फील्ड हमें रिक्वायर है उसके नाम के मुताबिक हम आसानी के साथ यूज़ कर सकें, बजाय इसके कि हम टेक्स्ट बॉक्स 1 टेक्स्ट बॉक्स 2 यूज़ करें नाम, तो हम रिक्वायर्ड फील्ड के मुताबिक नाम रख लेते हैं। जैसा कि अभी ये हमने दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लिया पासवर्ड का, इसका नाम हमने टीवी पासवर्ड रख लिया। तो यहाँ पर एक और चीज़ बताता चलूँ कि टेक्स्ट मोड, इस पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स का जो मोड है ना वो हमने पासवर्ड सिलेक्ट करना है। जैसा कि ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि टेक्स्ट बॉक्स मैंने पासवर्ड सिलेक्ट किया है, इसका मतलब ये है कि इस टेक्स्ट बॉक्स में यूज़र जो कुछ भी लिखेगा उस टेक्स्ट का मोड पासवर्ड होगा, वो टेक्स्ट शो नहीं होगा। जैसे कि आप अक्सर देखते हैं कि आप पासवर्ड जब लिखते हैं तो वो शो नहीं हो रहा होता, उसकी जगह एस्टेरिक्स का निशान या कोई और सिंबल शो होता है। तो यहाँ पर आपने ये सेटिंग करनी है, अगर ये सेटिंग नहीं करेंगे तो वो यूज़र जो भी पासवर्ड लिखेगा वो पासवर्ड जो है ना सामने शो होगा। तो ये टेक्स्ट मोड सामने टेक्स्ट मोड इसका पासवर्ड कर दिया। इसी तरह कंफर्म पासवर्ड है, इसका भी हमने टेक्स्ट मोड चेंज करना है और इसकी आईडी भी चेंज कर देते हैं। तो व्यूअर्स, इस तरीके से ये कुछ टेक्निक्स हैं जो आपने लाजमी जो है ना वो यूज़ करनी है और अपनी आदत बनानी है। जैसा कि इसका हम जो नाम लिख रहे हैं इसमें हम शुरू में टीवी लिखते हैं, तो ये भी एक टेक्निक है, नेमिंग टेक्निक जिसे कहते हैं, नेमिंग कन्वेंशन कहते हैं इसको, ठीक है ना, नाम लिखने का तरीकाकार। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है हमें कोडिंग में, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको जब हम कोडिंग में जाएंगे तो पता चल जाएगा। तो बस ये हमने सारे टेक्स्ट बॉक्स कर लिए। अब हम एक बटन उठाते हैं टूल बॉक्स से और बटन प्लेस करते हैं और इस बटन को हम नाम चेंज कर देते हैं। अब इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज करनी है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने रजिस्टर लिख दी। टेक्स्ट प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि इस बटन के ऊपर जो कुछ भी हमें शो करवाना है कि ये कुछ लिखा हो। अब आईडी और चीज़ है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी और चीज़ है, ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, इनमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने रजिस्टर लिख दी। अब देखें इस बटन के ऊपर आपको रजिस्टर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये हमने एक डिज़ाइन तैयार कर दिया। अब इसको हम व्यू करके देखते हैं। तो आप स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद आप ऑप्शन क्लिक करें व्यू इन ब्राउज़र। तो ये आपको जो आपने पेज बनाया है इसको ब्राउज़र में आपको शो करवाएगा लोकल होस्ट के ज़रिए, ठीक है ना, ये आपका बन गया पेज। देखें टेक्स्ट बॉक्स, आप इसमें यूज़र से डाटा एंटर करवा सकते हैं, बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसा कि इस बटन में अभी हमने कोई कोड नहीं लिखा तो लिहाजा ये कोई फंक्शन नहीं कर रहा। अब अगर आप इसकी डिज़ाइनिंग को थोड़ा सा सेट कर लें अपने उसके मुताबिक, लुक के मुताबिक कि ये बेहतरीन शो हो, मैं ये दोनों कॉलम डिलीट कर देता हूँ, इनकी ज़रूरत नहीं है। अब ये दो कॉलम रह गए हैं, इनको मैं थोड़ा सा बेंड कर देता हूँ ताकि ये, अब व्यूवर्स जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने ये टेबल डाला है, टेबल ये शो नहीं हो रहा। तो अगर मैं इस टेबल को भी शो करवा दूँ ब्राउज़र में तो अच्छा है। तो आप इन तमाम मुकम्मल टेबल को सिलेक्ट करें
इसकी प्रॉपर्टी में जाएं आप। प्रॉपर्टी में फिर आप यहाँ पर नीचे एक देख रहे हैं स्टाइल की, आपको प्रॉपर्टी नज़र आ रही है। स्टाइल की प्रॉपर्टी में आप जो बिल्कुल राइट साइड कॉर्नर पे आपको कुछ लाइंस बटन नज़र आ रहा है उसको क्लिक करें तो प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। अब आप इसमें एज प्रॉपर्टी पे आएँ, स्टाइल आप सेलेक्ट करें सॉलिड लाइन, विड्थ आप थिन सेलेक्ट कर लें और कलर आप बिल्कुल कोई लाइट सा कलर, बिल्कुल लाइट सा कलर हम ये चूज़ कर लेते हैं। ओके करें और ओके करते हैं तो व्यूज़ इस टेबल का बॉर्डर अब आपको ब्राउज़र में नज़र आएगा। अगर आप इस पेज को दोबारा ओपन करेंगे ब्राउज़र में तो आपको ये बॉर्डर जैसे देखें, अब आपको ये टेबल का बॉर्डर बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो ये थोड़ा सा पेज आपका अच्छा लगने लग पड़ा है। अब इसकी और फर्दर अगर हम रिफ़ाइन करें तो इसको हम डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं, हम एक और टेबल डालते हैं, ठीक है, तीन कॉलम तीन रो का ही। इस टेबल को थोड़ा सा खींच के बड़ा कर दिया। अब जो बड़ा करने के बाद इसकी हम विड्थ 100% कर देते हैं, ठीक है। स्टाइल में इसकी विड्थ 100% परसेंट का साइन लाजमी डालना है। तो ये आपका टेबल पूरी स्क्रीन के ऊपर फैल गया, जितनी आपकी स्क्रीन है जो भी उसका साइज़ है उस स्क्रीन साइज़ के मुताबिक 100% फैल गया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप नोट कर लें। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल के मिडल वाले सेल में हम ऊपर वाला पूरा टेबल उठाएंगे और इसमें इंसर्ट कर देंगे। अब असल में हम कर क्या रहे हैं कि हम अपने इस जो टेबल है हमारा जिसमें हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि मिडल में लेके आएँ और थोड़ा सा लेफ्ट से राइट मिडल में लेके आएँ और ऊपर से नीचे भी मिडल में लेके आएँ। तो आप डिज़ाइनिंग करते जाएँ। अब देखें ये थोड़ा सा आगे हो गया है तो अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं और थोड़ा सा इसको पीछे धकेलते हैं वापस अपनी जगह पे। ये वापस धकेल दिया और अब इसको हम थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, ये बिल्कुल ऊपर है ताकि नीचे थोड़ा सा पेज ये कवर कर जाए। सेव करें, इसको दोबारा व्यू करें तो अब कुछ शक्ल बेहतर है इसकी, ठीक है व्यूअर्स। अब देखें हमने वो नया टेबल डाला था मिडल, हमने उसे 100% किया तो अब उसने उस पूरी स्क्रीन के मुताबिक एडजस्ट कर दिया। अब ये जो सबसे ऊपर वाला ऊपर वाली रो है इसमें आप राइट क्लिक करें और इंसर्ट में जाके एक रो आपने इंसर्ट करनी है, लेकिन रो जो है ना अबव सेलेक्ट करना है। रो अबव से मुराद कि वो इस रो से ऊपर एक रो इंसर्ट कर देगा। जैसे हमने क्लिक किया तो उसने इसके ऊपर एक रो, इस रो के दोनों सेल्स को मर्ज कर दें ताकि एक सेल बन जाए। अब इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करें स्टाइल में जाके, ठीक है। बैकग्राउंड कलर आप कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आप सूट करें। डार्क कलर रखना चाहते हैं तो डार्क रखें, अगर लाइट कलर रखना चाहते हैं तो लाइट रख लें, जो भी आपको सूट करे वो कलर आप रखें। जैसे मैंने लाइट ब्लू कलर रख दिया इसी सेल को थोड़ा सा। अब इस सेल के अंदर आप देखें ये पूरे ऊपर वाली पूरी रो एक सेल बन गई है, मैंने दोनों सेल्स को मर्ज कर दिया तो एक सेल बन गई है। अब इसमें मैं लिख देता हूँ यूज़र रजिस्ट्रेशन, इसका साइज़ थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि ये बड़ा नज़र आए और इसको मिडल कर देता हूँ मैं ये, और इस सेल को भी थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ जो ब्लू नज़र आ रहा है। देखें ये व्यूअर्स अब इसकी लुक थोड़ी सी और बेहतर हो गई है। ये मैंने इसको कोलैप्स किया और डिज़ाइनिंग फाइनल कर दी मैंने। यहाँ पर मैं एक राइट साइड पे एक कॉलम और इंसर्ट कर देता हूँ। इस कॉलम का क्या मकसद है, ये मैंने क्यों किया, इसमें मैं एरर मैसेज शो करवाना चाहता हूँ। कोई भी अगर एरर आ जाता है, यूज़र अगर डाटा गलत डालता है तो वो सामने वाले कॉलम में शो हो, लेकिन
इस कॉलम की मैं प्रॉपर्टी पे जाके इसकी तमाम स्टाइल ख़त्म कर देता हूँ, बॉर्डर वगैरह, कलर वगैरह, बैकग्राउंड कलर तमाम ख़त्म कर देता हूँ, ताकि ये पूरा कॉलम है ये हमें ब्राउज़र में शो ना हो। ब्राउज़र में इस पूरी पूरे कॉलम का जो है ना वो बॉर्डर भी शो ना हो। हेलो गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज़ क्लिक हियर द रेड बटन टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।